रुपया प्रति क्विंटल धान के दाम वो सवला पूरा करे हन। दो साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया 13 लाख किसान मन के वो देहे के काम करे हन। तो सारा काम किसान मन के हित में होत है। लगातार सिंचाई के साधन भी हमन बढ़ात हन और मैं मुख्यमंत्री के नाते ये निर्देश दे हूँ हमारे सिंचाई मंत्री ला कि जो भी पुराना सिंचाई योजना है पूरे प्रदेश में वो सब काफी डैमेज है तो कर पहले दुरुस्तीकरण हो ताकि मतलब सुचारू रूप से हमारे किसान मन के खेत में पानी पहुंचे। तो सारा किसान मन के हित में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार काम करत है। इस साल इंद्रदेव के बड़ा कृपा हुई से फसल बड़ा बमबम है पूरे प्रदेश में और मोला पूरा विश्वास है कि इस साल धान खरीदी के जो 145 लाख मेट्रिक टन के जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी इस साल टूटने वाला है। तो ये सब अच्छी बात है। कुल मिला के हमारे सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान मन के हित में जो भी आवश्यक कदम है वाला सरकार करी। मैं फिर से आज के अवसर में ये आयोजन पर हमारे कृषि मंत्रालय ला हमारे मंत्री जिला ये विश्वविद्यालय ला कृषि विभाग के अधिकारी मल्ला सबला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से ये किसान मेला और एक ये प्रदर्शनी ये कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र ला बढ़ावा देख में एक मील के पत्थर साबित हुई और प्रदेश भर से जो हमारे अन्नदाता किसान बंधु मन आईन है उमन के सबके मैं अब ये मेला के लाभ लें सबला देखें समझें और कृषि के क्षेत्र में उद्यानिकी क्षेत्र में मत्स्य पालन में पशुपालन में हर क्षेत्र में आगे बढ़े यही शुभकामना देते हुए मैं अपन बातला अंत करत हूँ। जय हिंद जय छत्तीसगढ़।